नमस्कार, मैं हूँ रेनू भाटिया, न्यूज अब भारत में आपका स्वागत है। कानपुर के रायपुरवा थाना क्षेत्र का रहने वाला युवक मुरारी लाल शादी के कुछ घंटे पहले घर से गायब हो गया। उसी दिन उसकी शादी थी, बारात काका देव जानी थी। घर वालों ने परेशान होकर उसकी सूचना रायपुरवा थाने को दी। लड़की वालों ने इसकी शिकायत काका देव थाने को दी। उन्होंने बताया कि शादी ना करने का बहाना करके मुरारी लाल घर से गायब हो गया है। अगले दिन गायब युवक मुरारी लाल कैंट क्षेत्र में मिला। गा पुल के पास का इलाका है। युवक बेहोश में था, उसको पुलिस ने जिला अस्पताल उरसला में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण का पता चल पाएगा। शादी वाले दिन 28 वर्षीय मुरारी लाल फेशियल करा गया था। घर वापस न लौटने पर घर वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। अब खुशी का माहौल मातम में बदल चुका है। पुलिस ने मामला देखकर उसकी विवेचना शुरू कर दी है। सुशील शर्मा, क्या घटना हुई है? आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि कल मेरे छोटे भाई काली प्रसाद के लड़के की शादी, मेरे भतीजे की शादी, कल बारात थी, बारात जा रहा था। लड़का ने सैलून की दुकान में कटिंग कराया और कटिंग कराने के बाद लड़का कहाँ गुम हो गया ये किसी को नहीं मालूम। हम परिवारजन के लोग उसको दोपहर से सारी शाम से लेकर रात तक ढूंढते रहे, जहाँ सबकी सुई घूमी, किसी ने किधर बताया। हम हमारा परिवार, हमारा मोहल्ला, हमारे क्षेत्रवासी घर के लोग सब वहाँ पर भागते रहे, लेकिन जब आज नित्य सुबह हुआ तो पुलिस द्वारा ये जानकारी मिली कि बालू घाट गंगागंज शुक्लागंज के करीब क्या कहते हैं, उसकी मुरारी की बॉडी पाई गई है। हम लोगों को जब सूचना मिली कि उरसला अस्पताल में मुरारी की बॉडी है, तो हमारा पूरा परिवार और पूरे मोहल्ले के क्षेत्रवासी लोग हम लोग उरसला अस्पताल की तरफ दौड़ पड़े, और जब यहाँ आए तो वो चीज घटना सत्य मिली। क्या लगती है कि कोई रंजित थी या किसी ने? मैं ये कहने में कोई पारहेज नहीं करूँगा कि मुरारी बिल्कुल सीधा साधा लड़का है, और मुरारी का ये जो पूरा परिवार है ये किसी से भी लड़ने मिलने वाला नहीं है, किसी से भी कोई रंजित मुझे ऐसा नहीं लगता है कि देखिए हमारे परिवार की रंजित किसी से हो। लेकिन अगर किसी ने हमारे साथ रंजित निभाई है और अगर उसका पुलिस के द्वारा पता लगता है तो वो बचना भी नहीं चाहिए। कल मेरे लड़के की शादी थी और शादी फेयरवेल करना से बनाने वहीं से गायब हो गया है। हमने ढूंढते रहे, ढूंढने के बाद आपने थाने में की थी? हाँ, थाने में शिकायत की। थाने में शिकायत दर्ज करके जब हमको दूसरे दिन खबर मिली, सूचना कि डेड बॉडी यहाँ पर आई है, तो ये घटना घटी गई थी। डेड बॉडी कहाँ मिली है? हमको उरसला अस्पताल में मिली है। क्या इनकी कोई दुश्मनी थी किसी से, कोई रंजिश? नहीं नहीं, जो कोई रंजिश दुश्मनी कोई नहीं थी। दिनांक 6/12/2020 को थाना क्षेत्र रायपुरवा में मुरारी लाल नामक युवक के गुम होने की सूचना उनके परिजनों द्वारा दर्ज कराई गई थी। उनके द्वारा ये बताया गया था कि कल उसका विवाह था और वो फेशियल कराने के लिए अपने भाई के साथ गया था। उसके उपरांत वो एक दुकान से लापता हो गया है। आज वह व्यक्ति अर्धचेतन अवस्था में थाना कैंट क्षेत्र के गंगा घाट पुल से मिले हैं। वास्तविक इलाज उनको उरसला में भेजा गया है, जहाँ पर उनकी त्वरण इलाज मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा कराने के उपरांत उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम में जो भी चीज़ें आएंगी तदनुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मोहम्मद इसरार के साथ आसिफ अली खान की रिपोर्ट, न्यूज हब भारत। देश विदेश की सबसे बड़ी और अहम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज हब भारत को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबाएं।